देखिए क्वेश्चन है, माइनस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, तो सवाल है किसका और अंत में है माइनस एक सौ एक का स्क्वायर क्या होगा। आप सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए और उससे जैसे ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर तीन का, और ये हो जाएगा एक सौ एक का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर का फार्मूला होता है, ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब हो जाएगा n का वैल्यू 101, 101, 102 बाई टू, दो से कटेगा, इसका आंसर आएगा 101 गुना 51। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, माइनस एक का स्क्वायर वही क्वेश्चन है, इसमें सौ का स्क्वायर जा रहा है, ये सम संख्या है, उसमें था विषम संख्या, तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, एक का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, और इस तरह हो जाएगा माइनस सौ का। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस एन इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर जाएगा, ये हो जाएगा सौ गुना एक सौ एक बटा दो। आपको याद रखना है, अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा ये माइनस छोड़ दीजिए आप यहाँ पर, ये अगर सम संख्या रहेगा तो यहाँ जो है माइनस सेलेक्ट होगा, और अगर ये विषम संख्या तक जाएगा तो ये प्लस में सेलेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाने पर चौड़ाई कितना परसेंट कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल ना बढ़े। तो अब सवाल है, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ये जो है 60% बढ़ गया, ये कितना कमेगा, नहीं जानता हूँ वाई परसेंट, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या रहा है, कह रहा है कोई परिवर्तन ना हो, जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस वाई, 60 वाई बटा सौ। अब इस तरह से जो है ये जो है आपको 60 इधर लेके चले आइए, और हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस 60 आएगा और 160 वाई, तो आप इसे 20 अठे 20 पंचे हो जाएगा, और 4 से 2 बार में 4 से 15 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 75/2%, यानी 37.5% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। देखिए एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 cm² है, इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे कोई चतुर्भुज आप बना सकते हैं, जैसे यह एक चतुर्भुज है और इसके साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, जैसे ए एफ जी एच, तो याद रखना है चतुर्भुज की भुजाओं के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनेगा चतुर्भुज वह होगा समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। यहाँ पर ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है, मतलब समानांतर चतुर्भुज है ये, और अगर चतुर्भुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे जो चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो हो जाएगा एरिया चतुर्भुज ई एफ जी एच हाफ हो जाएगा एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी, हाफ इंटू सौ हो जाएगा 50 cm², याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है, 16 power 8 गुना 27 power 5 गुना 21 power 3 के कुल अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या कितनी बार आएगा वो पूछ रहा है, ये इसको आप लिख सकते हैं 2 power 4 गुना 8, इसको आप 3 power 3 गुना 5, और ये हो जाएगा 3 गुना 3 power 3 और 7 power 3, काहे कि 21 को जब आप लिखेंगे 3 गुना 7 तो 3 power 3 चला जाएगा, तो अब हो जाएगा, अब आप जो है
तो 2 का पावर हो गया 32, 3 का पावर हो गया 5, 15 और 3 आधार एक समान है 18 हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। ये आप जो है 32 + 18 + 3 32 + 18 हो जाएगा 50, 53 आएगा, इसमें अभाज्य संख्या टोटल 53 बार आएगा। देखिए 3 का पावर 31 है, इसका इकाई अंक निकालना है, तो आप जो है सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो पावर में 1 घटा दीजिए, 4 से भाग देना है और जो शेष आएगा उसमें 1 जोड़ना है और यह स्ट्रक्चर बन जाएगा, यूनिट का पावर बनेगा ये। तो यहाँ 31 है, 31 में से 1 घटा दीजिए, 30 आएगा, 30 में 4 से भाग दीजिए, 4 × 7 = 28, 2 शेष आया, 2 में हम 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 3 = 27, तो इकाई अंक 7 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस आया 7, यूनिट प्लेस जो आएगा दैट इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन है 3, 5, 7 का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति मतलब डिजिट जो एक बार लिखे हैं उसको दोबारा भी लिख सकते हैं आप, तो 2 अंक का संख्या बनाना है तो यहाँ 2 बॉक्स बनाएंगे हम, 2 अंक का संख्या चाहिए। तो सवाल है अब यहाँ आपके पास ये अंक है, इसमें से कोई यहाँ आ सकता है, इसको आप 3 बेज से भर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी आप 3 बेज से, जब अंकों का रिपीटेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको अंक जो है कमता नहीं है, जिस अंक को यहाँ लिखे सिर्फ आपको 0 का केस रहेगा तो वहाँ सावधान रहना है। तो यहाँ भी अब हो जाएगा कुल संख्याओं की संख्या 3 × 3, इस तरह से 2 अंकों की संख्या जो बनेगी 9 संख्या बनेगी। देखिए क्वेश्चन है 1 × 2 + 2 × 3, इस तरह से आगे बढ़ रहा है 10 × 11, इसका हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/r+1 × d, और ये इधर से लिखाएगा 10 × 11, और इसको 1 बढ़ा देंगे एक टर्म और 12, माइनस का चिन्ह आएगा और ये जो है ऐसे फैलेगा ये, और ये हो जाएगा 1 × 2, तो इसके जस्ट बिफोर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर जो है इधर आएगा तो 1 घट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इस तरह से r का वैल्यू यहाँ पर एक बार में 2 टर्म, इसलिए r का मान 2 आएगा, d का मान 1 आएगा, 1 × 2 + 1, और ये तो 0 ही हो गया, 10 × 11 × 12, अब ये 3 आएगा, 3 से कटेगा 4 बार में, 11 × 4 = 400, इसका आंसर आएगा 440। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 cm² है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे हम लोग ये ट्रायंगल बनाते हैं और इसका मध्य बिंदु ज्वाइन कर देते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया DAF, हो गया ये मध्य बिंदु हो गया ये। तो सवाल है कि हम लोग को याद रखना है त्रिभुज के जब भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करेंगे तो उसका एरिया जो आएगा ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा, तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल DEF = 1/4 एरिया ट्रायंगल ABC,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बड़ा चार गुना 400 इज इक्वल टू 100 cm². अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।